भाई गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी पंजाबी राइडर। राइडर आपका करता है स्वागत, होप करता है आप सभी मित्रा अच्छे होंगे। सबसे पहले आ गया गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा साहब को मत्था टेके। आज हमारी एक लॉन्ग राइड, तो वो पूरी कैसे होगी? बाबा जी के आशीर्वाद से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। आज है हमारी एक लॉन्ग राइड। अभी हो गया टाइम सुबह 6:05, मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग राइड पे। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी दिन निकला नहीं है, अंधेरा है, और 6 बजे का टाइम था मुकरबा पे मिलने का। अरे भाई पहले ये तो बता दे तू जा कर रहा है। तो गाइस आज हमारी जर्नी है वो शुरू हो रही है हमारे घर से, दरबार साहब की, यानी कि अमृतसर। मैं जा रहा हूँ आज अमृतसर अपने ग्रुप के साथ, वाइल्ड विंग राइडर्स। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे ग्रुप को 2 साल पूरे हो चुके हैं, उसके लिए हमने रखी एक एनिवर्सरी राइड। तो एनिवर्सरी राइड रखी है दरबार साहिब की, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। और मैंने सोचा था कि आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट करूँगा वो करूँगा पंजाबी से, लेकिन भाई आदत पड़ी हुई है ना हिंदी से स्टार्ट करने की। कि वे सारे बढ़िया, आपा भी बहुत बढ़िया पीरे, की हाल चाल सारे दे। ते हुन असी जान लगे दरबार साहब बाबा जी दे घर। हुन आपा तुरिया करो करीबन करीबन 6:45। दिलप्रीत पाजी ते बाकी सारे जन अज जा रही ने तकरीबन 8 सुपर बाइका। पंजाबी च बोला या हिंदी शुरू कर दा, जिवें आप जी कहो उवें कहो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनू आसिफ भाई का फोन आया कि पाजी कहां रह गए, 900 से 1000 किलोमीटर की राइड रहेगी। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद आपने मेरे चैनल को किया सब्सक्राइब, आपने इतने अच्छी रिस्पॉन्स दिया मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियोस को, थैंक यू सो मच ब्रदर्स। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है, बाई गॉड आपके प्यार का यार थैंक यू सो मच। थोड़ी सी कमी रह गई है, उसके लिए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक्चुअली मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो उसमें 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए चले गए। यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो न रे बाबा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डीसी पंजाबी राइडर के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लेना, या नीचे स्क्रीन पर भी आ रही होगी। आप कहेंगे कि भाई ये तो दिल्ली में ही रहता है और हर जगह गूगल के भरोसे चलता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि सड़क कहीं ना कहीं टूटी होती है और कहीं ना कहीं डाइवर्जन होता है, कहीं ना कहीं जाम होता है, हमें पता नहीं होता, हम उसी रास्ते निकल जाते हैं। गूगल बाबा लगाने का बस यही मकसद होता है, शॉर्टेस्ट वे बताता है और खुला रास्ता बताता है। बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और हमने जाना है नीचे, ऊपर नीचे जाना है। बज रहे 7:45 और हम कितने बजे पहुंच गए हैं? 6:15 में तो आसिफ भाई अब पहुंच गए थे 6 बजे और मैं पहुंचा 7:15 और अभी 7:45 हो रहा है। अभी दिलप्रीत भाजी का कुछ पता भी नहीं है। क्यों भाई? जिसकी वार्निंग थी तो देखते कब आते सीन है। अब पेनल्टी ये बन गई उनके ऊपर, जो 3 जने यहाँ खड़े हुए उनका ब्रेकफास्ट वो 3 जने देंगे कि लेट हुए तो आ जाए फिर इनसे बात करते कि भाई ब्रेकफास्ट के पैसे तैयार रखना क्या हाल है केजे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। टाइम से पहुँच गए हम ही जल्दी आ गए आराम से बाहर बहुत जा रहे हैं भाई, वो की तैयारी कराएंगे। क्या हाल है केजे भाई? और लद्दाख की तरफ निकल रहे हो क्या? मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ उससे आगे भी, जम्मू वगैरह की तरफ। भाई आ गई अपनी गोल्डन भूसा। चल चल बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। आगे सबसे पहले बिना खाए 6 बजे से खड़े हैं। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल जी? चलो ये सारी बाइक का लाइनअप है, यहाँ पे बड़े भाई की बाइक है, ये वरुण भाई की बाइक है, और ये आसिफ भाई की बाइक है, और सभी तकरीबन आई गए, और ये अपनी खड़ी है। क्या बात है, डीसी पंजाबी राइडर, और वो खड़ी दिलप्रीत पाजी की बाइक। ऐसे निकलते हैं, अब आपको फटाफट सीधा मिलते हैं बाइक पे। टाइम हो गया 7:05 और दिलप्रीत पाजी को आने में लग गया टाइम। निकल चुके मुकरबा चौक से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाइक्स यहाँ से, और 2 बाइक्स मेरे ख्याल से आपको मिलेंगी अमरीक सुखदेव ढाबे पे। राइड स्टार्ट हो गई है, और राइड स्टार्ट होते ही बाबू जी ने लगा दिया क्रूज कंट्रोल, चाहे तो 2 मिनट का हो, लेकिन मजे पूरा लेना है, एंजॉय पूरा करना है। अच्छा और एक बात मैं भूल गया, ये हमारी 2021 की पहली लॉन्ग राइड है, और उसके बाद से हमारी लॉन्ग राइड स्टार्ट हो जाएंगी। एंजॉय करेंगे, एंजॉय कराएंगे। जो आप पीछे लाइनें देख रहे थे ना, इसमें बड़ा रिस्की होता है बाइक चलाना, डिसबैलेंस होती है। ये तो यहाँ से बता रहा, ये यहाँ से बता रहा
तो यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, अजय भाई के पास पेट्रोल लिमिटेड ही है, ढूंढ रहे हैं हम पेट्रोल पंप, कह रहे हैं थोड़ा सा आगे जाके है पेट्रोल पंप, अगर वहाँ तक नहीं चल पाई तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये रहा पेट्रोल पंप आ गया, ये लो जी, ये लो प्रदूषण जांच केंद्र। तो हम अपना इतनी देर में पोल्यूशन करा ले। हेलो बड़े बाबू, सब हो गए टेंशन खत्म, हम खड़े थे यहाँ प्रदूषण केंद्र पे और पोल्यूशन दोनों बाइकों का हो गया है, पाजी का भी हो गया, मेरी बाइक का भी हो गया। व्लॉग आएगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे या थर्सडे को, फोटो बड़ी गजब लगा रखी यार आपने फोन पे। टाइम हो गया 7:53, टोल पार करके खड़े हैं पाजी और सभी बाइक्स, टोटल 9 बाइक्स है आज हमारे साथ। बाय बाय दिल्ली, फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, सुख शांति से ट्रिप निकले, बाबा जी मेहर करना, सारे अनु चर्दी कलाच रखना। आगे आगे तो गुरप्रीत भाजी कह रहे आगे खड़े हैं, सारी बाइक अब मिल गई हैं, दिलीप भाई हमें मिल गए हैं यहाँ पे अमरीक सुखदेव पे, जो कि हमें हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें मिल गया ट्रैफिक जाम, अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप भाई, यहाँ से इधर हो ले क्योंकि इस रोड पे ज्यादा चलाई नहीं जाती, रश बहुत है, बहुत रश है, 80-100 के लपेटे में बाइक चल रही है, इससे ऊपर चल भी नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, काफी लेट हो चुके हैं हम एक्चुअली। कुल मिला के सीन अब ये है कि हम पहुंच चुके हैं पानीपत, पानीपत को हमने छोड़ दिया साइड पे, अभी तक की राइड जो रही सुखद में रही, मंगल में रही। हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे कहीं क्योंकि काफी देर से चले हुए और टाइम करीबन हो चुका है, अभी बार बार टाइम बताता रहेगा। अच्छा मेरे को एक कमेंट भी आया था अपने फैमिली के मेंबर का कि पाजी के जो कंसोल है वो काफी अच्छा है, काफी बड़ा है, उसमें आप टाइम नहीं देखते हो, टाइम बताते हो घड़ी देख के बताते हो, क्या लफड़ा क्या है इसमें ना, टाइम ज्यादातर गलत ही बताता है, अपडेट नहीं होती है, थोड़े दिन तो टाइम सही चलता है फिर गलत हो जाता है। अभी भी मैं बताऊँ आपको दोपहर के 2 बजा रहा है लेकिन अभी 9 बजने वाले होंगे मेरा अंदाजा है। ये गए अपने दिलप्रीत भाजी, खींचो भाई खींचो, बस ऐसा ही है। और मेरे को शुरू से ही घड़ी डालने की आदत है, घड़ी जब डालता हूँ तो उसी में देख के टाइम बता देता हूँ। मैं कह रहा था कि अभी हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए झिलमिल ढाबा करनाल में जो है, यहाँ पे हम चक्राता वाली राइड पे रुके थे, अगर आपने चक्राता वाली राइड देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो फैमिली के मेंबर मुझसे नए जुड़े हैं आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी तक 5 लॉन्ग राइड्स की हैं, 2 हिमाचल की है, 1 उत्तराखंड की है और 2 राजस्थान की है। ओ भाई डर गया, भाई डर गया। स्कूटी वाले अंकल थोड़ा प्यार से चला लो, हमारी 2021 की पहली लॉन्ग राइड का सेकंड टोल आ गया जो कि हमें भरना नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेवल फील है, नेक्स्ट लेवल लॉन्ग राइड, मतलब एक बार बाइक स्टार्ट करो उसके बाद चलते ही जाओ ये रास्ते खत्म ही ना हो, मजा आ जाए। हम करीबन 130 किलोमीटर अभी राइड कर चुके हैं, बिल्कुल भी थकान नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी पूरी है, पेट्रोल के भी अभी 2 डंडे हुए नीचे। ये आगे पक्का पुल, तो बस करनाल थोड़ी दूरी रह गया है, पक्का पुल आ जाए ना मतलब समझ लो करनाल पहुंच गए, हमारी निशानियां रखी हुई निशानियां जगह जगह की। ओ ना आगे पीपल का पेड़ पड़ेगा बहुत बड़ा, वहां से लेफ्ट लेके ना एक मंदिर पड़ेगा, वहां से राइट ले लियो, फिर पंसारी की दुकान से लेफ्ट ले लियो, पहुंच जाएगा मेरे घर, बड़ा मजा आता है भाई ऐसे। पहले होते थे नक्शे, अब तो गूगल बाबा लगाते हैं, किसी से पूछते नहीं, किसी से ताजते नहीं, पहले तो भाई साहब 10 लोगों से पूछना होता था, कहां बाबू जी ये रास्ता बताना जा रहा, अरे ये डायलॉग तो बहुत दिन हो गया यार नहीं मारा, कई बात बहुत सारे ब्लॉग्स में नहीं मारा था, उच्च कोटि के विचार साढ़ी टू ही तले निंजा हजार। तो करनाल पार करते ही कोहरा शुरू हो गया, आगे क्या होगा रामा रे, आगे क्या होगा मौला रे, कोहरा देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट 0 विजिबिलिटी, 0, अचानक ही कोहरा शुरू हो गया, पीछे बिल्कुल साफ रास्ता था। तो 139 किलोमीटर चल चुकी है हमारे घर से, मुकरबा चौक से 114 चली है, हमारे घर से 139 किलोमीटर चल चुकी है। प्रोग्राम फिर चेंज हो गया, मयूर ढाबा पे नहीं रुक रहे, चल रहे हैं और आगे। A few moments later. पहले प्लान बना मयूर ढाबा का कैंसिल हो गया, फिर प्लान बना झिलमिल का वो भी कैंसिल हो गया, अब उसके बाद 10-15 किलोमीटर आगे एक ढाबा है वहाँ कैंसिल हो गया। तो गाइस धनुष देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि वी आर इन अम्बाला। तो ये खड़े हैं सारे राइडर्स इकट्ठे होने के लिए। पाजी पिछवाड़ा ठीक है,
सूते वाला है। अंबाला पहुंचा दिया ना आपको सकाश भैया रे नंबर। सीन अब कुछ ऐसा है कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन भाई बाइक्स का पेट भरना तो जरूरी है ना। यस तो भी सभी रुके रिफिलिंग के लिए, क्योंकि नाश्ता मिले ना मिले बाइक का पेट भरना जरूरी है, क्योंकि इनका पेट भरा रहेगा तो हम आगे चलते रहेंगे। पावर पूरी है, पावर एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी एनर्जी पूरी है ना, एनर्जी पूरी रहनी चाहिए। पेट्रोल डलवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मयूर ढाबा पे, जो कि है राजपुरा में। और तो कहिए भाई, क्या प्रोग्राम था पहले हमारा, क्या बना और अभी क्या है? लेह लद्दाख निकलेंगे, लेह लद्दाख निकलेंगे सीधा, उसके बाद देखेंगे कहाँ। और शुरू कहाँ से हुए थे? मयूर ढाबा से शुरू हुए, झिलमिल पेट के, झिलमिल से अब कहाँ है, मयूर ढाबा राजपुरा में। क्या सी भाई, पेट कम हो गया। तो अभी टाइम हो गया करीबन 11 बज रहे हैं, 11 बजे आज हम नाश्ता करने लगे और सबके बैंड बज रही है, सब अभी बैठेंगे यहाँ कम से कम 1 घंटा तो बैठेंगे। और है आधा घंटा अब सीधा ब्रेक लगेगी अमृतसर में, अब सीधा दरबार साहब लगेगी वो कर लूँ। अच्छा ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं। और पाजी कितना है? पाजी भी मेरी वीडियो सेम बात बोली। तो ब्रेकफास्ट था जबरदस्त और डीसी भाई भी हो गए हैं मगर मस्त, एकदम मस्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं, बट नीरज राय भाई के नाम। थैंक यू नीरज भाई, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और चोर चोर चोर, ये भी चोर, जलज भी चोर, और भी चोर है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं आपसे। ओके तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अब टाइम है आज के ब्लॉग को एंड करने का। आपने दिल देखा दिल्ली से राजपुरा तक का ब्लॉग, अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा यहीं से स्टार्ट होगा, राजपुरा से अमृतसर का ब्लॉग। तो होप करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना मेरी वीडियोज़ को। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। और अब मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दिस इज योर दोस्त दीपक छाबड़ा। ओके बाय बाय। जुड़े जमीन से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर।